बैंकों द्वारा संचालित शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से जनपद के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबंधकों की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और सभी ब्रांच मैनेजर मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बैंक अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चल रहे सरकार की तमाम योजनाओं में ऋण वितरण समय से सुनिश्चित करे। उन्होंने महिला समूहों को बैंक से मिलने वाले ऋण में हो रहे विलम्ब पर नाराजगी जाहिर करते हुए समूहों को जल्द से जल्द ऋण वितरण के निर्देश दिए, जिससे महिला समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसके अलावा जिलाधिकारी ने सभी ब्रांच मैनेजर से अनुरोध किया कि बैंक में आने वाले सभी ग्राहकों को सुविधा अनुसार ऋण का वितरण करे, जिससे वह अपने रोजगार को सुगम और सरल बना सके तथा खुद को आत्मनिर्भर बनाने के साथ रोजगार का सृजन कर सके। सबसे ज्यादा पेंडेंसी है हमारे SBI में 202, सबसे ज्यादा हमारे SBI के बैंक ब्रांचों में है पेंडेंसी है। उस शाखाओं के हम नाम बता दे रहे हैं, यूनियन बैंक दो पत्रावली लंबित है, यहाँ पे 13 हमारे SBI घरसरा पाली में है, 15 में 11 है, SBI बराही है, ब्रह्मपुर 15 है, वहाँ की 24 पत्रावली लंबित है। क्यों पेंडिंग जनरल कोरिया 10 पत्रावली लंबित है। कितने समूह को? एक समूह का। कौन से क्रियाकल्प है? बैंक पालन में किया है। अभी यहाँ पे 400-500 बैंक मैनेजर्स हैं। आप सभी बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा से पास होके प्रोबेशन ऑफिसर और अन्य महत्वपूर्ण एंट्री प्रोसेस से गुजर कर आए हैं। निश्चित रूप से जब आप उत्तीर्ण हुए होंगे और आपको नई नौकरी मिली होगी तो आप एक जज्बे के साथ, एक संकल्प के साथ आए होंगे कि लेट्स वर्क इन नेशन बिल्डिंग, जिसे हम लोग सभी इसका संकल्प लिए हैं। बात इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने है अभी कि महिला समूह जो सबसे गरीब कमजोर वर्ग के महिलाओं को गरीबी उन्मूलन के लिए एकमात्र उम्मीद है। अगर उस परिवार को बाहर लाना है तो उस महिला को हमें आर्थिक गतिविधि से जोड़ना है, प्रशिक्षण कराना है, जो RCT और हम जिला प्रशासन कर रहा है उनकी बचत बढ़ानी है और उनको वित्त पोषित करना है। बाकी सब काम हम कर रहे हैं लेकिन वित्त पोषण के लिए आपके ऊपर निर्भरता है। और आज पूरे हॉल में सिर्फ एक बैंक मैनेजर ने, वो भी एक महिला समूह को, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त देने की बात कही है। 40-50 साल से चल रही है ये हमारे बैंकिंग सिस्टम का स्तर है। आलोचना करने के लिए बोल रहा हूं, आईना दिखाने के लिए बोल रहा हूं। बैंक मैनेजर ज्यादा दिख रहे हैं और मैंने महसूस किया है कि महिला समूह से लेके जितने भी सरकारी योजनाओं में आच्छादन करने लाभार्थियों को आपके दरवाजे पे, आपके कार्यालयों में उम्मीद की किरण नहीं है, हार मान लिया।